الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله عليما حليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تحمل مزاجی एक ऐसी सिफ्त है जिससे इंसान एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। जो भी तहम्मुल मिजाज होगा उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा, और जिस शख्स के अंदर या जिस घराने के अंदर या जिस माशरे के अंदर तहम्मुल मिजाजी ना हुई, वो माशरा, वो घर, वो फ़र्द ये परेशानियों का शिकार होगा, हर वक्त टेंशन में होगा। तहम्मुल मिजाज आदमी हर वक्त खुशगवार, और जिसके अंदर तहम्मुल मिजाजी नहीं, हर वक्त अंडर टेंशन, हर वक्त टेंशन में। अब सबसे पहली बात, तहम्मुल मिजाजी कहते किसको हैं? तहम्मुल बोझ उठाना। आमतौर से इंसान चाहता है कि फ्री जिंदगी गुजारे, बोझ ना उठाना पड़े, लेकिन बहरहाल बोझ उठाने पड़ते, दिल करे ना करे उठाने पड़ते। इंसान के अंदर इंतकाम का जज्बा भी है, वो सभी निकाल सकता है, लेकिन ये दूसरे की तकलीफ के ऊपर सब्र कर लेता है, माफ़ कर देता है, दरगुजर कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, तो ये तहम्मुल मिजाजी इसे कहते हैं। तहम्मुल मिजाजी कहते हैं गोया दूसरे की ईज़ा और तकलीफ के ऊपर सब्र करना, बर्दाश्त करना, दरगुजर करके माफ़ कर देना, ये तहम्मुल मिजाजी है। जिसको ये नेमत मिल गई ये खुशगवार जिंदगी गुजारेगा, और जिसको ये नेमत ना मिली हर वक्त परेशान, हर वक्त परेशान। आयत जो पढ़ी ना, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दो नामों को इकट्ठा यकजा जिक्र किया, वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हलीम, हिल्म वाले भी हैं। अलीम से मुराद इल्म, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म वाले भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हिल्म वाले भी हैं। ये दोनों नेमतों को इकट्ठा जमा, दोनों सिफात को एक साथ जमा किया। अब यहाँ एक राज है, इन दोनों को इकट्ठा जिक्र करने में एक राज है। वो क्या? देखें, हमने किसी की गलती को माफ़ करना होता है ना, हम माफ़ करते हैं जब भी किसी की गलती को, तो 100% हमें नहीं पता होता, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, हमारा कोई भी हो, मुलाजिम हो, हमने किसी को माफ़ करने हुआ है जी, बस माफ़ कर दीजिए गलती हो गई, तो कुछ हमें पता होता है, लेकिन बहुत सारी अक्सर 10-20% पता होगा, अक्सर का नहीं पता होता। हम माफ़ कर देते हैं, यानी हमारा इल्म कामिल नहीं होता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उस वक्त भी जानते हैं जिस वक्त ये बंदा अपने दिल में गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह जान रहे होते हैं गुनाह का इरादा कर रहा है, फिर कदम बढ़ा के हाथ बढ़ा के गुनाह कर लेते हैं, अल्लाह देख रहे होते हैं, इतने इल्म के बावजूद और कामिल कुदरत है आपकी अल्लाह की, इंतकाम ले सकते हैं, बदला ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म है, इल्म भी कामिल और हिल्म भी कामिल। अल्लाह अकबर, वकान अल्लाह अलीमन हलीमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम भी हैं और हलीम भी हैं। अगर इंसान को गलती करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर उसकी रोटी बंद कर दें कि भाई इसने गुनाह, कोई बंदा गुनाह करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रोटी बंद कर दें, तो कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन नहीं करते। बंदा गुनाह भी कर रहा होता उसका रिस्क बंद नहीं होता, बल्कि इससे बढ़कर बंदा गुनाह भी कर रहा होता है अल्लाह उसे रिस्क भी अता फरमा रहे होते, गुनाहों पर पर्दे डाले होते, लोग इज्जत से मुखातिब कर रहे होते हैं जी, चौधरी साहब, हाजी साहब, मौलाना साहब और शेख साहब और मलिक साहब, इज्जत दे रहे होते हैं। ये उसके ऊपर मजीद जरा गौर कीजिए। एक अल्लाह वाले थे,
इब्ने आता इस्कंदरी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब बात उन्होंने फरमाई, फरमाया ए दोस्त, जिसने तेरी तारीफ की उसने दर हकीकत परवरदिगार की सत्तारी की तारीफ की। ए दोस्त, जिसने तेरी तारीफ की दर हकीकत उसने परवरदिगार की सत्तारी की तारीफ की। अगर उसने तेरे ऐबों को छुपाया ना होता तो तेरी तारीफ ही कोई ना करता। और सच्ची बात है ये, अगर हमारे गुनाहों में बदबू आने लगे हमें साथ कौन बिठाए, हमारे ऐबों को लोगों पे खोल दिया जाए हमारा क्या बने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म कितना कामिल और हिल्म, तो वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, वो अलीम भी है और हलीम भी है। ये अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर। अच्छा, इस उम्मत मुहम्मदिया के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक और बड़ी खास रहमत है, बहुत खास मिसाल, बड़ी मज़ेदार है और दिल से शुक्र निकलना चाहिए। बात अगर समझ में आ जाए तो दिलों से अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना समझ में आए तो फिर अपनी अकल का मातम कर लीजिएगा, ज़रा गौर कीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल हो गई, कुरान में आता है वलम नजिद लहु आजमा, उनका कोई नाफरमानी का इरादा नहीं था, भूल हो गई। हुआ क्या, जन्नत की पोशाक कपड़े उतरवा लिए गए, जन्नत घर था वहां से बाहर निकाल दिया गया और उस भूल के चर्चे सारी दुनिया में हो गए। कुरान में आ गया ना, तो सारी दुनिया में चर्चे हो गए। तीन बातें हुई, लिबास उतर गया, घर से निकलना पड़ा और उसके चर्चे हो गए। इस उम्मत मुहम्मदिया के नौजवान से कोई गलती हो जाए, अल्लाह कितनी मेहरबानी फरमाते हैं, ये लिबास उतार कर गुनाह करता है, अल्लाह लिबास वापस आता फरमा देते हैं, ये घर से निकल कर गुनाह करता है, अल्लाह घर वापस पहुंचा देते हैं और पर्दे भी डाल देते हैं। अब गौर कीजिए कितना उसका एहसान है हमारे ऊपर। मकान अल्लाह अलीमन हलीमा, अल्लाह इल्म वाले भी हैं और अल्लाह हिल्म वाले भी हैं। तो ये हिल्म की सिफत हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे कि इल्म की जीनत हिल्म के साथ है, इल्म की जीनत हिल्म के साथ है। आजकल इल्म की सिफ तो मिल जाती है लेकिन हिल्म बर्दाश्त नहीं हमारे अंदर रही, बल्कि शैतान ने ऐसा चक्कर डाला कि जिसको गुस्सा ज्यादा आता है ना, यानी बर्दाश्त नहीं है, हर एक में गुस्सा, बेजा गुस्सा, वो जी बड़ा साहिब जलाल है जी, इस बीमारी का इतना खूबसूरत नाम रख दिया बंदा इलाज ही ना कराए कि जी बड़े जलाली हैं जी, बड़े जलाल वाले हैं, ये बीमार है, इसको बताओ कि तुम्हारा गुस्सा गलत है। बेजा गुस्से वाले को साहिब जलाल का नाम देना ऐसा ही है जैसे रिश्वत को हदिये का या रोटी पानी का, चाय पानी का नाम दे देना, गीबत को जो है वो गपशप का नाम दे देना, बहाना भाई उसने बहाना, बहाना क्या है, 100% झूठ होता है भाई, फलाने फलाने से बहाना कर दिया, बहाना क्या है, झूठ, तो झूठ का नाम बहाना रख दिया। बिल्कुल इसी तरह जिसको बिला वजह हर वक्त गुस्सा रहता जी जलाल वाले हैं जी, ये जलाल नहीं है, ये बीमार है, इसको चाहिए किसी अल्लाह वाले के पास जाए और अपना इलाज करवाए। तारीख इंसानियत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तहम्मुल मिजाजी किसी को आता नहीं हुई। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह नबी अलैहिस्सलाम के बारे में चंद कलिमात लिखते हैं, बड़े तवज्जो से समझने वाले और बड़े गहरे कलिमात हैं, सुनिए। फरमाते हैं, मजलूमी में सब्र, मुकाबले में आज़म, मामले में रास्तबाजी, ताकत और इख्तियार के बावजूद अफ़ो दरगुजर, इंसानियत के वो नवादिर हैं जो किसी एक इंसान की जिंदगी में इस तरह कभी जमा नहीं हुए जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जमा हुए। अब नबी अलैहि सलाम की जिंदगी से हम चंद मिसालें जितना वक्त है वो सुन लेते हैं और फिर बात को खात्मे की तरफ लेकर आते हैं। सर पे टोपी रखना, सर को ढकना क्या है, सुन्नत है कि नहीं? मर्दों के लिए टखने नंगे रखना सुन्नत, चेहरे पे दाढ़ी रखना ये भी सुन्नत, ये सुन्नतें हैं कि नहीं? लेकिन दूसरों को माफ करना क्या है, ये भी सुन्नत है, इस सुन्नत पे फिक्र की कभी? कुव्वत तहमुल मिजाजी और बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करना ये भी सुन्नत है,
आप नबी अलैहिस्सलाम के चंद वाकयात सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम के खादिम थे हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप जब मदीना में आए तो उनकी वालिदा ने खिदमत के लिए भेज दिया। उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। और नबी अलैहिस्सलाम मदीना में कितना अरसा रहे जी? 10 साल, 13 मक्का के, 10 ये, 23 टोटल थे। वो फरमाते हैं कि इन 10 सालों में नबी अलैहिस्सलाम ने ना कभी मुझे मारा, ना गुस्सा किया, ना डांटा। एक बच्चा खिदमत के लिए आया हो हमारे पास और 10 साल हमारे पास रहे तो फिर क्या होता है? हम तो जो जितना करीब है उससे भी उतना गुस्सा उतार रहे होते हैं। हमारा बस चले ना तो जो रुए ज़मीन के ऊपर हैं उनको ज़ेरे ज़मीन ही भेज दें, हम बर्दाश्त ही ना करें। मदीना तैयबा में उस ज़माने में एक उसूल था कि दरख्त के ऊपर चढ़कर, किसी के खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़कर बग़ैर उसकी इजाज़त से खजूर तोड़ के खा लेना ये मना था। हाँ, जो नीचे गिर जाए खुद ब खुद, वहाँ का एक नॉर्म रूटीन ये थी कि जो गिरी हुई खा सकते हैं। हर इलाके का एक उसूल होता है ना। मैं गिलगित के जब जाता हूँ अपनी ब्रांचेज में तो वहाँ भी इस तरह के बाज़ इलाकों में उसूल हैं, आज भी हैं। तो एक जगह वो रुके तो कुछ लेने लगे, नीचे चीज़ें रखी हुई थी, वो कोई फल था, कोई मेवा वगैरह। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा जी हमारे गाँव का ये पक्का उसूल है, जो खुद नीचे गिर जाए वो आप उठा के खा लो, खुशी से गाँव वाले इजाज़त देते हैं, और नहीं खाओगे तो ज़ाया हो जाता है। तो सब हमारा एक रूटीन है ये, इसलिए हम वो कर रहे हैं जो उर्फ में हमारे यहाँ हर एक को काबिल कबूल है। हाँ, ऊपर से तोड़ के उतारना ये चोरी है। तो ये बात जो हदीस में पड़ी ये गिलगित में आंखों से देखने को मिली। खैर, तो उस ज़माने में भी यही था, लेकिन एक नौजवान था, वो अक्सर गलती से जो है ना बस जज्बात आए, अच्छी सी खजूर नज़र आई, मज़ा था, वो जंप लगाई, ऊपर गए खा ली। एक दिन एक मालिक ने पकड़ लिया और पकड़ के नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आया। अब ये तो समझ रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम गुस्सा भी करेंगे, मेरा तो आज हाथ कट गए। बड़ा खौफजदा हालत में नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ये नौजवान आया तो कहने लगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे करीब किया और मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा, मेरा आधा खौफ तो ख़त्म हो गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि भाई क्यों ऐसा करते हो, नीचे वाली खा लिया करो, उसकी तो इजाज़त है, चढ़ के खाने को मना है, क्यों करते हो? नौजवान माजरत के साथ कहने लगा बस गलती हो गई, भूख ऐसी लगती है कि बस चढ़ जाता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा, बस मुझे माफ़ कर दें, आइंदा कभी नहीं करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की, ए अल्लाह इस नौजवान के फ़कर को ख़त्म फरमा और इसको माफ़ फरमा। वो नौजवान कहते हैं कि उसके बाद कभी मैंने किसी की खजूर की तरफ इस तरह नज़र ही ना डाली। तो नरमी और मोहब्बत से बड़े बड़े मसले हल हो गए। तो हमें भी अपनाने की ज़रूरत है इन बातों को। हमें आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़रा मियाँ बीवी की दो बातें भी सुन लीजिए। खुशगवार अज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए तहम्मुल मिजाजी इंतहाई ज़रूरी। जिस खाविन के अंदर तहम्मुल मिजाजी नहीं, ये खुशगवार अज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपस में कोई बातचीत हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा अबू बकर से फैसला करवाते हैं। सिद्दीक़ अकबर आ ही गए थे कि जी इनसे फैसला करवा लेते हैं। अब हुजूर ने पूछा आयशा तुम पहले बताओगी कि मैं पहले बताऊँ? वो रवानी में एक बात फरमा गई, कहने लगी आप ही पहले बताते लेकिन सच सच बताइएगा। अब सिद्दीक अकबर तो बाप थे, मुझे गुस्सा आया, बेटी को थप्पड़ लगा दिया, तुझे तेरी मार होए, नबी अलैहिस्सलाम को ये कह रही हो? नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आ गए तो उनको कहा जनाब आप जाइए, हमने आपसे फैसला तो करवाने का सोचा था लेकिन सजा थोड़ी किसी को दिलवानी थी, आप जाइए। अब जब बाप का थप्पड़ पड़ा तो ये पीछे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के पीछे आके छुप गई कि बाप मजीद ना कोई बात करे या थप्पड़ लगाए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भेज दिया, वो चले गए। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने रुख उनकी तरफ किया और फरमाया देख तुझे तेरे बाप के दूसरे थप्पड़ से मैंने बचाया ना। बोलो जी बात ही खत्म हो गई। एक और बात पे गौर करें, अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
जब कोई इसी शौकन की तरफ से कोई खाने पीने की चीज़ आती थी ना, तो उनको गैरत आती थी कि भाई नबी अलैहिस्सलाम आज रात मेरे पास है, तो जो मैंने पकाया है, जो मेरे पास घर में मौजूद है, चाहे पानी है कुछ भी है, तो बस मेरे पास है। कोई शौकन कुछ भेज देती ना, बाज़ दफ़ा ज़रा गैरत आ जाती थी। ऐसे कई वाक़यात हदीस में हैं। एक मरतबा क्या हुआ, अम्मी आयशा मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने आज रात अम्मी की आयशा के पास गुजारनी है। इतने में किसी और उम्मुल मोमिनीन ने कोई खाना कोई चीज़ पकी हुई भेज दी खाने के लिए। अब अम्मी आयशा ने जब बर्तन पकड़ा ना, ऐसी बेदरी से पकड़ा, बर्तन हाथ से गिरा, बर्तन भी टूटा, खाना जो भी था वो ज़ाया हो गया। तो आने वाला भी परेशान हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गारत उम्मुकुम, इसको ना तुम्हारी माँ की गैरत की वजह से ये मामला हो गया, चलो छोड़ो। अम्मी से कहा कि भाई देखो अब क्या करें, कि भाई इस जैसा बर्तन और खाना भेज दो, मसला हल हो जाए, बात ख़त्म हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर का परिंदा नहीं बनाते थे, बात जिस दर्जे की होती उसी दर्जे में उसको मुकम्मल कर लेते, बढ़ाते नहीं थे। अब गौर करें, मैं एक खाविन की हैसियत से हूँ, हर शख्स गौर करे ना जो शादीशुदा है, मेरी बीवी मौजूद है और मेरे मैके से, ससुराल से, मेरे करीबी रिश्तेदार से, मेरे किसी अच्छी जगह से कोई खाने की चीज़ आ जाए और मेरी बीवी ये मामला करे, मैं उसके साथ क्या करूँगा। बंदा खुद गौर कर ले, पता लग जाएगा। सैयदा आयशा फरमाती हैं, अगर मैं कभी किसी बात पर गुस्से पे आ जाती तो नबी अलैहिस्सलाम मुझे मुस्कुरा के देखते और फरमाते ए मुन्नी से आयशा, बात खत्म हो जाती। तो मोहब्बत के साथ मामले को हैंडल कर लेना, ये नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आदत थी। ग़ज़वे उहुद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, सहाबा पे तकलीफें आईं, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबी शहीद हुए। नबी अलैहिस्सलाम की तकलीफ को देखकर एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह इन काफिरों के लिए बददुआ ही कर दें। आपने फरमाया मैं बददुआ देकर बनाने वाला, बददुआ देने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मैं बददुआ देने वाला बनाकर नहीं भेजा गया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए रहमत की दुआ की, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दें, अल्लाहुम्मा हदिनी कौमी, ये मुझे नहीं जानते, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। किसी ने क्या खूब फरमाया, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, इसे और क्या नाम देगा जमाना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। अपने कातिलों को माफ करना फिर आसान, बीवी के कातिल को माफ करना बड़ा मुश्किल काम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबजादी हैं जो सबसे बड़ी है, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मक्का में थी। इनके शौहर ने कहा जी अब आप मदीना चली जाएं, और अपने भाई कनाना को कहा कि मेरी बीवी को बाहर पहुंचा दो मक्का के, वहां मदीना से कुछ लोग आए हुए ले जाएंगे। कहा ठीक है। अब ये काफिला छोटा सा जब रवाना हुआ तो बीबी ज़ैनब जो थी वो ऊँटनी पर बैठी, और उस वक्त वो हामिला थी, और ये निकले। कुरैश मक्का को पता लग गया कि दिन दिहाड़े हमारे दुश्मन की बेटी ऐसे चली जाए, उधर जो जनाब उन्होंने फसाद मचा दिया, खड़े हो गए। अब मसला बन गया। इसी परेशानी में उसी उसके अंदर एक शख्स था, उसका नाम था हबार बिन असवद, ये इनका करीबी रिश्तेदार भी था, कज़न भी था ज़ैनब का। उसने ऊँटनी के ऊपर जो हमला किया ना, ऊँटनी बितकी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँटनी की हाइट से जब नीचे गिरी, औरत हो, पथरीली ज़मीन हो और वह हामिला भी हो, और 5-7 फुट की हाइट से नीचे गिरे तो क्या होता है, मिसकैरेज हो गया। उस वक्त तो मामले को रफा दफा किया और उन्होंने कहा भाई किसी वक्त रात को तन्हाई में खामोशी से निकाल देना, अभी हमारी इज्जत का मसला है, वापस ले जाओ। अब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी और मौके पे जल्द ही जो है वो वहाँ से निकाला, मक्के से सहाबा के हवाले किया, वो मदीना ले गए। अब 8 दिन का सफ़र ऊँट का, रास्ते में कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई औरत दूसरी साथ नहीं, कोई दवाइयाँ साथ नहीं, कोई और ख्याल करने वाला नहीं। अब बीवी जब 8 दिन बाद मदीना पहुँची हैं तो बड़ी तकलीफ़ थी, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो आँखों से आंसू आ गए, फरमाया कि मेरी इस बेटी को दीन की वजह से बड़ी तकलीफ़ मिली जो किसी और को ना मिली, और यही ज़ख़म उनकी शहादत का, वफात का ज़रिया बना। खैर जब मक्का फतह हुआ
تو حبائے بن اسود کو اپنے کیے کا تو پتہ تھا, لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ آیا, کہا غلطی ہو گئی, اور نبی علیہ السلام نے بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا. ہم تو لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے معاف نہیں کرتے, فلاں نے فلاں موقع پہ مجھے یوں کہا تھا, وہ مجھے شادی کا کارڈ دینے میرے گھر پہ نہیں آیا, میں اس کی شادی میں دعوت پہ گیا مجھے پروٹوکول نہیں دیا, میں اس کے گھر میں گیا مجھے ٹائم نہیں دیا. اس بات کے اوپر ہماری لڑائیاں ہیں. ہم کس منہ سے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کیا شکل دکھائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہم سے تو لوگوں کی زبان کی باتیں معاف نہیں ہوتی, ہم نے بیٹی کے قاتل کو کہاں معاف کرنا. ایک واقعہ اور سن لیجئے. مکہ مکرمہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھا, صفوان بن امیہ, بعد میں تو خیر مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا تو اس وقت تو دشمن تھے. انہوں نے ایک شخص کو جو عمیر ابن وہب تھا بلایا اپنے پاس, کہا عمیر تم مدینہ جاؤ, یہ تلوار لے کے جاؤ, اس تلوار کو میں نے اتنی بری طرح زہر میں ڈبو دیا ہے کہ بس جس کو خراش بھی لگ گئی نا کافی ہے, گردن اتارنے کی ضرورت نہیں, خراش بھی کافی ہے, ایسا اس کو جو میں نے زہر کے اندر اس کو بجھایا ہوا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری ساری زندگی کی میری, تم جاؤ مدینہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرو اور انہیں شہید کر دو. عمیر بن وہب غریب آدمی تھا, لالچ آ گئی, چل پڑا. مدینہ پہنچا تو کسی صحابی نے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں, پکڑ کے گرفتار کر کے آقا کی خدمت میں پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا تو صاف صاف بتا دیا کہ صفوان بن امیہ نے اس طریقے سے مجھے بھیجا ہے, یہ تلوار ہے, میں تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں. بتانے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم چلے جاؤ, معاف کیا. یہ مکہ آ گئے واپس. اللہ کی شان, جب فتح مکہ ہوا نا تو عمیر بن وہب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے حاضر ہوئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور اس وقت کہا ہے اللہ کے نبی صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیجئے, صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیجئے. وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, مکہ کے سرداروں میں سے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اسے بھی معاف کیا. اب عمیر ابن وہب نے کہا میں ایک عام سا آدمی ہوں, بہت بڑا سردار ہے, میں اگر اس کے پاس چلا بھی جاؤں کہہ بھی دوں کہ آپ کو معافی مل گئی, میری بات نہیں مانے گا, آپ کوئی نشانی دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتار کے دے دی کہ یہ پگڑی لے جاؤ, خدا کے دشمن کو جا کے بتا دو, میرے قتل کے منصوبے کرنے والوں کو بتا دو, مدینہ ختم کرنے والے کو بتا دو کہ تجھے معاف کر دیا گیا. حضور نے اپنی مبارک پگڑی اس کو دے دی کہ جاؤ جا کے صفوان کو بتا دو. اب عمیر بن وہب صفوان کو تلاش کرنے نکلا, ایک جگہ ملاقات ہو گئی, کہا بھی چلو واپس چلیں, میں نے تو معافی مانگ لی ہے. ہاں جی میں تو نہیں آ سکتا, مجھے تو قتل کر دیں گے, میں نے تو اتنے اتنے کام کیے, خالی ایک تمہیں تو نہیں بھیجا تھا. ہاں جی تمہارے لیے میں امان لے کر آؤں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے امان دے دیں, وہ میں نہیں مانتا. اس نے پھر عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مبارک پگڑی عمامہ نکال کے دکھایا کہ دیکھو وہ اتنے دل والے ہیں, اتنے معاف کرنے والے ہیں, تمہاری معافی کے لیے اپنا عمامہ بھیجا ہے. اب عمامہ دیکھ کے تو وہ بھی ہل گیا, اللہ اکبر. پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور جی میں نے سنا ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا, میرا تو ابھی اسلام لانے کا کوئی ارادہ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں امان دے دیے, اسلام تم نہیں لانا چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے, امان تمہیں دے دی. اچھا اچھا ایسا کریں آپ مجھے نا 2 مہینے کی مہلت دے دیں, میں ذرا سوچ لوں. فرمایا 4 مہینے کی مہلت لے لو. وہ مہلت کیا پوری ہونی تھی, اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ایک کو معاف کیا اور ہر ایک کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا. واقعات تو بہت ہیں, اللہ ہمیں بھی اس بات کے اوپر سمجھ عطا فرمائے. ہم ذرا ذرا سی بات پہ بھر جاتے ہیں, اپنے آپے بھی نہیں رہتے, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے, کہتے ہیں میں اس کو رگڑ کے لاؤں گا, اس کی ناک رگڑاؤں گا, رگڑ کے رکھوں گا.
बीवी से कोई गलती हो जाए उसको माफ नहीं करते, उसकी गलती को अपने माँ बाप के सामने, लोगों के सामने जो है वो जिक्र करते हैं, उसकी इज्जत नफ्स भी मजरू करते हैं, वो माफी मांग भी रही हो तो माफ नहीं करते, हम किस मुंह से नबी अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन चेहरा दिखाएंगे? इख्तलाफ राय को दुश्मनी बनाने से बचें। इख्तलाफ राय होना कोई बुरी बात नहीं है, हुदूद के अंदर रहते हुए इख्तलाफ राय कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसको दुश्मनी नहीं बनाना, इसकी वजह से नफरतें दिल में नहीं पालनी, दिलों में मोहब्बतें पैदा करनी है, उससे हमारे लिए आसानियां होंगी। तो तहम्मुल मिजाजी ऐसी सिफत है जिससे इंसान खुशगवार जिंदगी गुजारता है, और जिसके अंदर तहम्मुल मिजाजी नहीं, हर वक्त अंडर टेंशन, ये जिंदगी परेशान। तो चंद वाकयात हमने अब नबी अलैहिस्सलाम के सुने, और बिल्कुल शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आलिमन हलीमा वाली सिफात भी समझी, अल्लाह हमें भी ये सिफात अता फरमाए। अब एक बात सुन लीजिए, बड़ी ज़बरदस्त 10 सूरतें और इन 10 सूरतों के 10 फ़ज़ाइल हैं, तो याद भी कर लें, हो जाएंगी, जुम्मे के बाद कोई पूछ ले बता देंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, क्लिप बाद में मिल सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं है, किताब भी मेरे पास है, इससे भी देख सकते हैं। तो 10 सूरतें ऐसी हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपने अमल में ले आएँ, तो ये बरकतें हमें ज़रूर मिलेंगी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि 10 चीज़ें 10 चीज़ों को रोक देती हैं। अब दिल के कानों से सुन लीजिए, इन पर अमल कर लीजिए, आपको किसी आमिल के पास जाने की इंशाल्लाह कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात, अल-फातिहा तमनहु ग़ज़ब रब्बी, जो शख्स सूरह फातिहा की तिलावत करता रहता है, अल्लाह ताला के गज़ब से सूरह फातिहा इसको बचा लेती है। गज़ब रब्बी से बचना हो तो सूरह फातिहा की तिलावत कीजिए। यासीन तमनहु वक्तुल क़यामा, सूरह यासीन की तिलावत क़यामत के दिन की प्यास बुझा देती है, तो क़यामत के दिन की प्यास बुझाने के लिए सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। अद-दुखान तमनहु मिन अहवालिल क़यामा, 25वें सिपारे में एक सूरत है, 3 रुकों की सूरत दुखान, जो रोज तिलावत करेगा कयामत की हौलनाकियों में, जब सूरज भी करीब होगा, जमीन तप रही होगी, अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, उस वक्त इस हौलनाकियों में अल्लाह ताला उसे बचा ले। हर शख्स अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, हर शख्स अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई घुटनों तक, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक और कोई गर्दन तक, वो कयामत का पसीना और गर्मी होगी। यूं समझ लीजिए कि हर शख्स अपने गुनाहों के पसीने में बॉयल हो रहा होगा, वो खाली डूबा हुआ नहीं होगा, वो बॉयल हो रहा होगा। चौथी बात, अलवाकया तमनाउल फक्रुल फलफाका, रोजाना मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाकया की तिलावत फकर और फाके से बचा लेती है। भाई रिस्क की तंगी का मामला है, कर्ज है, सूरह वाकया की तिलावत कीजिए, अल्लाह ताला रहमत फरमा देंगे। पांचवी सूरत तो बड़ी प्यारी है जी, अल मुल्क तमनाउ अज़ाब अल कब्री, सूरह मुल्क की रोजाना तिलावत करना ये कब्र के अज़ाब से बचा लेता है। हम रात को सोते हैं ना, एसी ठीक ना हो तो नींद आती है क्या? नहीं। रात को चंद मच्छर, 5-7 मच्छर कमरे में आ जाएं और आपके पास कोई मॉस्किटो किलर किसी भी तरीके का इंतज़ाम ना हो तो फिर नींद आती है कि नहीं, और लाइट ही चली जाए फिर क्या होता है, आपके पास एसी पंखा सब बंद हो जाए, यूपीएस है, सोलर है, सब ख़त्म हो जाए, अब क्या होता है रात को गर्मी की रातों में? हालांकि इतना बड़ा कमरा होता है, उसमें जनाब 6x6 फुट का बेड भी होता है, सब कुछ के बावजूद, और ऊपर छत भी ऊपर फासले से होती है, तो ये चीज़ें मौजूद ना हो तो रात को कमरे में भी सुकून नहीं मिलता। तो कब्र तो छोटी सी जगह है, चौड़ाई 2 फुट समझ लें और लंबाई क्या है 6 फुट समझ लें, हाइट कितनी है, चंद फुट की हाइट है, क्या वहाँ हमें आसानियाँ नहीं चाहिए? यहाँ तो मच्छर और मक्खी की परेशानी, वहाँ सांप और बिच्छू का मामला, फिर यहाँ रात चंद घंटे बाद गुजरेगी, सुबह आ ही जाएगी, लाइट गई भी आ ही जाएगी, वहाँ तो कयामत की सुबह तक रहना है भाई। तो वहाँ की आसानी अगर चाहिए तो रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत करें, और हदीस के अंदर आता है
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दिल की ख्वाहिश है कि एक सूरत ऐसी है जो मेरे हर उम्मती के दिल में हो, याद हो, सबको जुबानी याद हो, सूरह मुल्क है। 30 आयात आपने फरमाया कि 30 आयात हैं सूरह मुल्क की, तो जिनको तो याद है रोज पढ़े, जिनको याद ना हो देख के पढ़े, और याद हर आदमी करने की कोशिश करे। एक आदमी कहता है जी मेरा हाफजा कमजोर हो गया, मैं कैसे याद करूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को सामने रखकर याद करना शुरू करे। एक आयत भी रोज याद हो गई तो एक महीने में याद हो जाएगी, आधी आयत भी रोज याद हो गई तो दो महीने में याद हो जाएगी। क्या इतने हम कमजोर हो गए कि आधी आयत भी याद नहीं कर सकते? भाई 3 महीने में याद हो जाएगी। क्या अपने महबूब की, अपने नबी की इस ख्वाहिश को नहीं पूरा कर सकते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा करने का इरादा कर चुके हैं? हाथ खड़े करें। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह याद है, मैं पढ़ता भी हूं, हाथ फिर भी खड़े कर दिए आपके साथ। सूरह मुल्क याद करें, रोज पढ़ें। तो सूरह मुल्क का फायदा क्या बताया था जी? कब्र के आदाब से बचा लेती है। छठी बात, अल कौसर। सूरह कौसर के बारे में फरमाया कि ये दुश्मनों के झगड़े से बचा लेती है। हमें झगड़ा करने की, जवाब देने की क्या जरूरत है? सूरह कौसर की तिलावत करें, अल्लाह ताला हमें झगड़ों से निकाल लेंगे, बचा लेंगे। अल काफिरून तमनाउल कुफ्र इंद नज़्अ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया कि सूरह काफिरून कुल या अय्युल काफिरून की तिलावत मौत के वक्त कुफर से बचा लेती है। कितना बड़ा इनाम है, इसकी भी हम तिलावत करें। अल इखलास तमनाउन निफाक। सूरह इखलास ये निफाक से, दोरंगी से बचा लेती है। और सूरह फलक, अल फलक तमनाउ हसद अल हासिदीन। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की कसरत के साथ तिलावत ये हासिदीन के हसद से बचा लेती है। और वन नास तमनाउल वसाविस। सूरह नास वसाविस से बचा लेती है। तो ये 10 सूरतें हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम अपनी जिंदगी के अमल में लाएं, इनको नमाजों में पढ़ें और वैसे तिलावत करते रहें। अल्लाह ये सारी नेमतें हमें अता फरमा देंगे और अल्लाह ताला हमें आसानियां भी अता फरमा देंगे। तो हम इसको अपनी जिंदगी में लेकर आएं, इनकी बरकतों को खुद पाएं। तहमुल मिजाजी का फायदा, इंसान खुश रहता है। और जिसके अंदर तहमुल मिजाजी ना हो वो बीवी से नाराज, भाई से नाराज, बहन से नाराज, चाचा से नाराज, ताए से नाराज, पड़ोसी से नाराज, हर एक से नाराज, या अक्सर लोगों से नाराज रहता है। तो तहम्मुल मिजाजी हम अल्लाह से मांगे, या अल्लाह ये हमें आता फरमा। एक अनमोल मोती आपको देना चाहते हैं, दे दें जी। चलें ले लें जी, बगैर पैसों के ले लें। ये अनमोल मोती वो है जो आपको बाजारों से भी नहीं मिलेगा, शायद किताबों से भी ना मिले, ये अल्लाह वालों की सोहबत से मिलेगा। हमारे शेख हज़रत पीर हाफिज़ उल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुल आलिया अल्लाह ने शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाई, उन्होंने एक बात बताई, वो आज आपको बता रहा हूँ। फरमाया कि लोग हमें तकलीफें नहीं पहुंचाते। हम कहते हैं ना हर आदमी तकलीफ पहुंचाता है, सब तकलीफें पहुंचाते हैं, मुझे उसने तकलीफ दी, मुझे इसने तकलीफ दी। फरमाया कि लोग हमें तकलीफें नहीं पहुंचाते, लोगों से वाबस्ता तवक्कुआत हमें तकलीफें पहुंचाती हैं। हम लोगों से तवक्कुआत ही वाबस्ता ना करें, हम तवक्कुआत सिर्फ परवरदिगार से वाबस्ता करें जो पूरी कर देता। इसको दोबारा से समझ लें। एक शोहर अपनी बीवी से बहुत सारी तवक्कुआत रखता है, उम्मीदें रखता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये मेरा करेगी, ये करेगी। जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हमें तकलीफ होती है। अब शोहर उससे एक्सपेक्टेशन ना ही रखे, सिर्फ परवरदिगार से रखे, तो बीवी से परेशानी आएगी कोई? दो भाई हैं, बड़े ने छोटे से, छोटे ने बड़े से, अपने अपने दिल और दिमाग में, अपने अपने जहन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से हमने की हुई हैं कि ये हमारा ये करेगा। अगर हम इस बात को निकाल दें तो फिर हमें परेशानियां ही ना आए। तो हज़रत फरमाते हैं कि लोगों से वाबस्ता तवक्कुआत हमें परेशान करती हैं, लोग हमें परेशान नहीं करते, तकलीफें नहीं पहुंचाते।
तो लोग हमें तकलीफें नहीं पहुंचाते, लोगों से वाबस्ता तवक्कुआत हमें तकलीफें पहुंचाती हैं। हम लोगों से तवक्कुआत रखना ही छोड़ दें, तवक्कुआत रखनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से रखें जो पूरी भी करता है और हमारे लिए खैर का जरिया भी है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।